सकता है उसने इसलिए किया हो कि वो अम्मी से कही हुई बात मनवाना चाह रही हो। नहीं है मरसल, मेरी बहन मुझे अच्छी तरह से जानती है, उसे मालूम है कि मैं जो भी बात कर दूं उस पर कायम रहती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो जन्नत, जिद करना अच्छी बात नहीं होती। बात जिद की नहीं है, उसूलों की, मुनासिब और गैर मुनासिब के फर्क की। मैं उनकी ये शर्त नहीं मान सकती। जन्नत को देखो, तुम्हारी वजह से वो अपना नया रिश्ता नहीं बना पा रही। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम कैसे कह सकती हो कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? मेरी बात सुनो, उसको कहें कि मुझ पर ये अजीम एहसान ना ही करे तो बेहतर है। और आज तो आप आ गई उसकी वकालत करने के लिए, लेकिन अगर आइंदा मुझे लेक्चर देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। सारे हीले बहाने उसके, अच्छी तरह समझती हूँ मैं उसको। क्या समझती हैं आप अम्मी? और क्यों बनाएगी जन्नत कोई भी बहाना? पहली शादी में तो उसने अपने सारे अरमान पूरे कर दिए थे ना। अगर वो बेवा हो गई है तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। माँ हूँ तुम्हारी, मैं दिल में 100 अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली जन्नत का घर दोबारा से बस जाएगा। अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। अम्मी की जगह खुशियां हमें बांटनी है सिल और जन्नत के दरमियान, उनको किसी की भी कमी का महसूस नहीं होने देना। अहमद, मुझे आपसे कहना था कि आंटी जैसे चाहती है, मतलब धूमधाम से जैसे शादी करना चाहती है कर सकती है। थैंक यू सो मच जन्नत, थैंक यू सो मच। लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। अगर पहले आ जाती तो मुझे ये जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। मुझे तो वो लड़की कोई जादूगरनी लगती है। भला बताओ, एक तो बेवा, बच्चे की माँ और हमारे कुंवारे भांजे को फंसा लिया। मुझे तो लगता है कि इसने सिफली अमल किया हुआ है, वरना समिया जैसी प्यारी बच्ची को छोड़ के उस चुईया के साथ शादी करना चाहता है वो। समान, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया किस बात का? इस बात का कि आज आपने उन बच्चियों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे फखर है आप पे। और मुझे तुम पर। जब तुमने उनसे कोई भी ताल्लुक ना होते हुए उनका इतना ख्याल रखा, इतनी मोहब्बत जताई उन्हें, तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। बस एक बात की परेशानी है। कौन सी बात? यही कि इतना सब कुछ कैसे होगा इतनी जल्दी। एक ही हफ्ता है हमारे पास। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ये लीजिए कुलसुम। हाय बिल्किस, मान गई मैं तुझे, तेरी क्या चाल चली है। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। आपने देखा, मैंने पहले कैसे धूमधाम से शादी करने के लिए इसरार किया था जन्नत को, और फिर बाद में सादगी का कह के कैसा झटका लगाया उनको। हाँ, मगर खाली झटके से क्या होगा, अकल की अंधी हैं आप। लड़की के दिल में वहम डालना है मैंने, अब देखिएगा वो कैसे शादी से इनकार करती है। अल्लाह भी करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, बस हमें समिया को काबू में रखना पड़ेगा। ये ना हो कि आखिरी वक्त में वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया किया था हमने। अरे उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो,
उसका दिमाग फेरना ना मेरे बाएं हाथ का काम है। आखिर बहन तो तुम्हारी हूँ ना। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा चाय पीजिए, कहीं ठंडी ना हो जाए। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैं उसी घर में होंगी। क्या कर सकता हूँ, दिल के हाथों मजबूर जो। इसमें दिल का कुछ नहीं होता, सारा काम दिमाग का है और ये सब आपके दिमागी खलल है। चलो यही समझ लो। अच्छा आपने कॉल क्यों की थी? एक्चुअली मेरी अम्मी से बात हुई थी शादी के सिलसिले में। उनका कहना यह है कि चन्ना ठीक कह रही थी, शादी सादगी से ही होनी चाहिए। अच्छा तो ये बात उनको इतनी देर बाद समझ में आई है? भाई बड़ी हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। मैं और क्या कह सकता हूँ। और कुछ कहिएगा भी नहीं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। शुक्र है, मैं तो डर गया था। इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे लगा शायद तुम बुरा ना मान जाओ या इस बात का कोई गलत मतलब ना समझ लो। जैसे कि कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि कोई बात नहीं है ना? अरे नहीं नहीं वाकई कोई बात नहीं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी अब हमारी जन्नत की भी शादी होगी। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी। अरे क्यों भाई शादी नहीं करोगी? मैं आपको और सिला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बेटियां तो अपने माँ बाप के घर अमानत होती हैं और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटियों के हाथ पीले हो, अपने घर रुखसत हो जाए। अम्मी हम अपनी जन्नत की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे ना, है ना अम्मी? हाँ बिल्कुल, बस अब दुआ करो कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। बल्कि मैं तो अब ये भी दुआ करूंगी कि तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हूँ और सुकून से मर सकूं। अम्मी भाई मैं ठीक हूँ, अच्छा खासा अब तो बेहतर हो गया हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से लेटे रहिए, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना प्यार की आदत नहीं है जन्नत, से बचपन से लेके आज तक किसी ने अपने प्यार से बात नहीं की, इतना ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा। तुम भी मुझसे इतना प्यार मत करो, कहीं छोड़कर चली गई तो मचा हुआ। जब हम अपने बेबी के पास आ जाते हैं तो फिर हमारा दिल नहीं करता कहीं और जाने का। अच्छा बेबी की वजह से? हाँ तो तुम्हें कोई डाउट है क्या? नहीं मुझे तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर पूछा क्यों? पूछा इसलिए कि
ये डायलॉग आप बेबी से पहले भी किसी के लिए बोल चुके हैं। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये डायलॉग पहले कभी किसी के लिए बोला। लेकिन मुझे याद है ये डायलॉग आप बेबी से पहले बेबी की मम्मी के लिए बोल चुके हैं। हाँ तो अभी भी तो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। इसलिए घुसे मेरी अलमारी में? कुछ नहीं, मैं बस कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? तुम्हारा क्या रखा है इसमें? अरे वो नेल्स देखो बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो नेल कटर ढूंढ रहा था। नेल कटर ढूंढ रहे थे? चोरी कर रहे थे मेरी अलमारी से? चाबियां कहां से ली? पड़ी थी सामने। झूठ मत बोलो, बीवी की अलमारी से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तुम गलत समझ रही हो। निकलो मेरे घर से, दफा दो यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे जब कुछ किया नहीं है तो क्यों जाऊं मैं? तुम ऐसे यहाँ से नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, अभी करती हूँ पुलिस को मैं फोन, देखती हूँ कैसे नहीं जाते। अरे ज़ोरा ये मियाँ बीवी का मामला, पुलिस को क्यों बुला रही हो? बाहर नहीं जा, ये मियाँ बीवी का मामला। न मैं तुम्हारी बीवी हूँ न तुम मेरे मियाँ, निकल यहाँ से। ओके ओके जा रहा हूं। दीदी कहाँ जा रही है? जा बीबी कहाँ? तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी तुमसे शादी करके। चोर कहीं का मेरे घर में चोरी करता है। चलो अच्छा हुआ ये थी, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ मैं यही चाहती थी, इतना हंगामा अच्छा नहीं लग रहा था। सिला काशिप का फोन आया था, प्लीज जन्नत कोई और बात करो। क्यों सिला, इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका किस्सा खत्म करो। हो गई थी मगर अब नहीं रही, जैसे मेरी भी हुई थी कभी शादी सिला, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब तुम्हारे सामने ही है सिला, तुम्हारे सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, और सच बात तो ये है
कि काशिफ तुमसे मोहब्बत करता। अब तो सब ठीक हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। सब कितने खुश थे, जन्नत की आंखों में भी एक चमक दिखाई दे रही थी। हाँ, उसे उसके सबर का फल जो मिला है। बस अल्लाह करे सला भी अब जिंदगी की तरफ लौट जाए। वो जिंदगी की तरफ लौट आई है, वो खुश रहती है। अच्छा जरूर मुझे ये बताओ, मैं जन्नत को गोल्ड के रिंग गिफ्ट करूँ, तुम क्या दोगे उसे? गिफ्ट विफ्ट क्या, सब कुछ जो है उन्हीं का तो है। सब्बू को चाहिए वो अपनी गलतियों का अजाला करें और उनको कोई बहुत अच्छी सी चीज गिफ्ट करें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब तो वैसे भी अब्बू बदल गए। शुक्र। जन्नत ये क्या बात है, पहले और बात और अब कोई और बात? जोरा बाजी, अगर जन्नत ऐसा ही चाहती है तो ठीक है ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उनके चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है, हम लड़की वाले हैं, हमारी लड़की कोई भागी तो नहीं जा रही कि हम अचानक से सादगी से शादी कर लें, ये क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, सारी जिंदगी का मसला है। देखो सिला, अगर आज हमने उनकी बात मान ली ना, सारी जिंदगी बातें ही मानते रहेंगे। मैं तो कह रही हूं अमर से इस सिलसिले में बात करूं। ठीक है जोरा बाजी, मैं कल ही बात करती हूं उनसे। अहमद ने तुमसे कोई बात की? नहीं, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि उस तरफ इतनी खामोशी क्यों है। तुम मानो या ना मानो, ये खामोशी तो मुझे किसी तूफान का पेश खेमा लग रही है। वैसे आपस की बात है, तीर निशाने पे नहीं बैठा। बस आप देखते जाओ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सोचो तो सही, हम दो बहनें आपस में सुन देने बन जाएंगे। कितना मजा आएगा कुलसुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जन्नत सब ठीक तो है ना, इतनी क्यों परेशान हो? कैसे परेशान ना हो जोरा बाजी, एक दिन की बात नहीं है, उम्र भर का फैसला है। बस बसों और अंतेशों ने मुझे अपने हिसार में ले रखा है। तो तुम ऐसा करती ना, अहमर से बात कर लेती, उसे बता देती कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी मगर। मगर क्या? नहीं कह सकी। लेकिन क्यों? मुझे अहमर की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सच्चाई के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजार लूंगी उसके साथ। अच्छा, इसका मतलब है तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी हो। अच्छा तो फिर ठीक है, अपने सारे वसवसों और अंदेशों को खुदा हाफिज कह दो, अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे इजाजत दो, वक्त बहुत कम रह गया है, मेरी प्यारी सी बहन की शादी है और मुझे तैयारी भी तो करनी है। और तुम टेंशन मत लो, तुम देखती जाओ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कोई काम हो तो जरूर बताना, शर्माना नहीं।
कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आज मैं भी वहां पे खड़ी हूं जहां पर एक दिन अम्मी खड़ी थी। क्या कहना चाहती है? अब मुझे समझ आए कि अम्मी ने जमान अबू से शादी क्यों की, क्योंकि वो हमें बाप के साए से महरूम नहीं रखना चाहते। वो कैसे इस साले माशरे में अकेले हम दोनों को पालती। लेकिन अम्मी ने धोखा खाया, समान अबू और दादी की शक्ल में हमें कितने दुख झेले हैं जन्नत। मौलवी साहब जो आंटी कह रही है वही लिख दीजिए। एक मिनट तुम खामोश रहो। मौलवी साहब हाथ मेहर जो है वो 10 लाख रुपए होगा और वो भी मौजल, यानी अदायगी अभी। मैंने मौलवी साहब से कह दिया है कि शरई तरीके से निकाह होगा, अगर इन लोगों को मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं बारात वापस लेकर जाऊंगी। शफकत तुम यहाँ क्यों आ रहे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाए यहाँ से, क्या करने आए आप यहाँ पर? क्या करूं मैं दिल क्या, तो मजबूर हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता। जिंदा रहना दूर की बात, जब तक तुम्हें देख ना लूं मेरी सांस तक नहीं आती। झूठ बोलते हैं आप एक नंबर के झूठे फ्रॉडिये धोखेबाज हैं और चोर हैं। कोई इंसान अपने घर में चोरी करता है? बताइए मुझे। आ गई ना लोगों की बातों में। तो सोचो जिस शख्स ने सारी जिंदगी एक पाई ना चोरी की हो, वो भला अपने घर में कैसे चोरी करेगा और क्यों करेगा। बस कर दो, माफ कर दीजिए। देखो शंकर, मियां बीवी का रिश्ता एतमाद का, भरोसे का और यकीन का होता है, और आप सारे यकीन तोड़ चुके हैं। मैं ये रिश्ता समझौते के सहारे कभी नहीं गुजारना चाहती। प्लीज खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दें, आप छोड़ दें मेरा पीछा। किस तरह से मैं यकीन दिलाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जान की कसम, खुदा की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता मेरी जान की कसम खाना छोड़ दीजिए, मत खाइए मेरी जान की कसम झूठी। आज किस्मत किस मोड़ पे हमें ले आई कि मैं बैठा सफाइयां दे रहा हूं और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं अपनी मर्दानगी, अपनी अना, अपनी मैं सब खत्म करके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। बस मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हारी चौखट पे पड़ा रहूंगा जोरा, भूखा प्यासा, जब तक तुम पानी नहीं पूछोगी पानी तक नहीं पीऊंगा। मुझे तुम्हारी जान की कसम मैं यही पड़ा रहूंगा। मुझे गुनाहगार मत करो, मत करो मुझे गुनाहगार। यस चल बेटा। मेरी बहन कितनी खूबसूरत लगती, इस खुशी के दिन ही आंखों में आंसू कैसे। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही। आज मैं भी वहां पे खड़ी हूं जहां पर एक दिन अम्मी खड़ी थी। क्या कहना चाहती है? अब मुझे समझ आए कि अम्मी ने जमान अबू से शादी क्यों की, क्योंकि वो हमें बाप के साए से महरूम नहीं रखना चाहते। वो कैसे इस साले माशरे में अकेले हम दोनों को पालती। लेकिन अम्मी ने धोखा खाया, समान अबू और दादी की शक्ल में हमें कितने दुख झेले जन्नत। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर फिर एक बार अपने आप को दोहराए। कहते हैं ना, जैसा नसीब माँ का होता है ऐसा ही बेटियों का होता है।
जरूरी नहीं है कि जैसा होता है वैसा ही हो। वैसे भी जमान अबू ने अम्मी से फैक्ट्री की लालच में शादी की थी और अहमद तुमसे मोहब्बत में शादी कर ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं है देने के लिए। इसको यहां बिठाओ मैं देखकर आती हूं। आपको अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने जी और लड़की की शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे आपको ये बता दें कि हक महर कितना होगा मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मौल साहब मैंने आपको पहले बता दिया कि शरई हक महर ओहो आपने तो बता दिया था मगर मेरा लड़की वालों से पूछना भी जरूरी है। मौलवी साहब जो आंटी कह रही है वही लिख दीजिए। एक मिनट तुम खामोश रहो। मौलवी साहब हक महर जो है वो 10 लाख रुपए होगा और वो भी मुअज्जल यानी अदायगी अभी। बहुत गुस्से में वो लोग तो बारात वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। असल में सामान की बात गलत नहीं है। हाँ शायद उनका तरीका गलत है। मैं मानती हूँ कि उन्हें हक मेरे के फौरन अदायगी का नहीं करना चाहिए था पर वो भी ये चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आगे जाके कोई मामला बिगड़े भी तो ये लोग 10 बार सोचें कुछ भी करने से पहले। अबू को बुलाना ही नहीं चाहिए था। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ। देखो जन्नत तुम परेशान मत हो इंशाल्लाह जो भी होगा ना तुम्हारे भले के लिए होगा। इतने तमाशे के बाद मुझे भले की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा नहीं कहते महक हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। आप सब परेशान नहीं अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में लिखा है तो ये होकर रहेगा और अगर ये रिश्ता आसमानों पर ही नहीं बना तो अबू लाख कोशिश कर निशर्त वापस भी ले लें तब भी नहीं होगा ये रिश्ता। सब खुदा का इन लोगों ने तो हमें घर बुलाकर जलील किया है। बिल्किस तुमने पहले से इनसे बात नहीं की थी? अगर इनकी यही डिमांड थी तो हमें पहले बता देना चाहिए था इनको। अम्मी हम लोगों ने देना ना हमें तो फिर हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इनसे पूछते। इनकी इसमें ज्यादा गलती नहीं है। अब तो सारी गलती मेरी है क्योंकि तुम्हारी आंख में मोहब्बत की पट्टी बन गई है। अम्मी कोई ना कोई हल तो निकाल लेना इस मसले का। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे 10 लाख जेब में रख के घर से लेकर आए थे। हाला लेकिन अब कुछ तो करना होगा ना। अब बिल्किस तुम कहो तो मैं इनसे बात करूं। कोई जरूरत नहीं मैंने मौलवी साहब से कह दिया है कि शरई तरीके से निकाह होगा। अगर इन लोगों को मंजूर है तो ठीक है वरना मैं बारात वापस लेकर जाऊंगी। देखा तुमने इस बंदे से बंदा अच्छे की उम्मीद रखे ही नहीं। ऐन मौके पे तहस नहस कर दी ना
शफकत प्लीज आप तो तमाशा मत लगाएं, पहले बहुत तमाशा हो चुका है। अबे तमाशा करने वालों को बुलाएंगे तो तमाशा ही होगा ना, और क्या। तुम देखो रिक्की ले लो मेरे से, बारात वापस जाएगी। कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे शफकत, खुदा का वास्ते ऐसी बुरी बातें तो मत करें, डराएं तो मत। अबे डराना क्या है, मेरा भैनोई है, मुझे पता है सांप से ज्यादा जहरीला है, जिसको डसता है ना पानी नहीं मांगता। पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है बच्चियों से। आओ तुम भी शौक पूरा कर लो, बोलो क्या बोलने आई हो। सुन रहे हो तुम्हारी सारी बकवास, एक बात याद रखना, इस घर में तुम जोरा की वजह से, ना तुम्हारी कोई अपनी औकात नहीं। पक्का? ये बात याद रखना, जमान इन लड़कियों के बाप। हाँ जानता हूँ बाप, वो भी सुतेला, जो कि उसने साबित कर भी दिया। साबित तो अब हो, वो सही और तुम पर। और हाँ देख लेना कि बारात वापस नहीं जाएगी। हाँ हाँ कर लो शौक पूरे, अभी अंदर जाओगी सारी उम्मीदों पे मट्टी पानी सब फिर जाएगा। तुम भी आओ मैं भी आऊं, देख या कर लो शौक पूरे। वो सांप है और ये नागन बहन है ये मेरी। क्या जरूरत थी आपको ये सब तमाशा करने की? जमा मैंने कोई तमाशा नहीं किया है, अपनी बच्ची का मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि आपकी नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन आपने शफकत जैसे इंसान को मौका दिया कि वो आपकी नियत पे शक करे। क्या कह रहा था वो बदबख्त? आहिस्ता बात करे, शादी वाला घर है, कुछ सुन लेगा। वो कह रहे हैं कि ये आपकी साजिश थी शादी खत्म करने की। मेरी कोई साजिश नहीं है, वो बकवास करता है। जानती हूँ कि वो बकवास करता है, और अगर वाकई ऐसी बात है ना तो मैंने अमर की मां को मना लिया है। आप मेरे को मौजूद में बदला दीजिए, इस तरह आपकी तदबीर भी जो है कारगर साबित हो जाएगी और शफकत भी गलत साबित हो जाएगा। बताइए क्या फैसला है आपका? मुझे सोचने का वक्त हो कुछ। ठीक है, वक्त हाथ से निकला जा रहा है और अबू अभी तक अपनी जिद पे अड़े हुए। समान अबू ने ठीक नहीं किया, देखो अबू के इस अमल पर यूं राय कायम करना गलत बात है। हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकते। नहीं महक, वो हमारे अबू हैं, ऐसे नहीं कहते। जो बाप अपनी सखी औलाद का ना बन सका वो सतेली बेटियों का क्या बनेगा। मुझे तो टेंशन हो रही है, चलो मैगम बाहर चलते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह वही करना जो मेरे हक में बेहतर है। रहने दे मौलवी साहब, चलो अमर। एक मिनट मौलवी साहब। मैंने जो हक मेहर की रकम कही थी वो मुअज्जल कर दें। आप लोग बैठे। Thank you.
मेरे भाई, कैसा लगा? बहन तो तुम्हारी मिला है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप ऐसा करें, तुम फार्मों को दस्तखत कर दो। मुबारक, मुबारक बेटा, मुबारक। जन्नत, चलो रुखसती का वक्त हो गया, उठो। जब नई दुल्हन घर आती है ना, तो रसम की जाती है, चौखट पे तेल डालते हैं कोनों में। तो कौन सी ये नई दुल्हन है, या इसकी नई शादी है, या पहली मर्तबे दुल्हन बन रही है? अम्मी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, ये मेरी खुशी है। खाला, प्लीज जो रसम कर रही थी प्लीज करें। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां पैर अंदर रखो। आज शाबाश, आज शाबाश। रहती आपको ये सब कुछ करने की? अच्छा, अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो तुम्हें कैसे मौका मिलता उसको उसकी औकात याद दिलाने का? बोल बोलो। उसको अब एहसास हो जाना चाहिए कि इस घर में उसकी हैसियत जीरो है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा
ऐसा कुछ होने देगा। बस अगर इसी तरह हम दोनों कोशिश करते रहे तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी। मैं एक बात हमेशा याद रखना चाहना, अच्छा हो या बुरा वक्त गुजर ही जाता है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है? आपने कौन से पहाड़ तोड़े? आराम से तो बैठे रहे शादी में। हाँ, जहाँ जमान भाई हो वहाँ मेरी जरूरत पड़ती है कुछ करने की। देखा नहीं है क्या पटांग हरकतें की? आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अगर वो पैसे मुझे मिल जाते ना तो कितनी सारी शॉपिंग कर सकती थी मैं। अगर सम्या इन पैसों के साथ साथ अहमद के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएं तो? उसके पैसे पर मेरा कोई हक नहीं है और आप दोनों भी ये बात समझ लें। पागलों जैसी बातें मत करो।